हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चना साग की रेसिपी। कुछ लोगों का ये फेवरेट होता है और अगर आप उस सरसों पालक का साग खाते हैं तो आपको इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। इसे मैं आज आपको अपनी मम्मी और नानी कैसे बनाती थी उनकी रेसिपी को फॉलो करके आपको बनाना सिखाऊंगी। तो देख लेते इसे बनाना कैसा है। सबसे पहले हमने यह 250 ग्राम चने का साग लिया है। इसके हमने डंडियों को अलग कर लिया है और इसके पत्तियों को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का होता है हमारे चने का साग। अब इसको हम अच्छे से धोकर काट लेंगे और साथ ही 100 ग्राम बथुआ लेंगे। इसकी भी हमने डंडियों और पत्तियों को अलग कर लिया है और इसको भी अच्छे से धोकर काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमने चने के साग को काट लिया है। और साथ ही बथुए को भी काट लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब कुकर में इन दोनों को डाल देंगे। आप इसमें बहुत सारे वेरिएशन भी कर सकते हो, जैसे बथुए को स्किप करके पालक भी ले सकते हो या पालक मेथी को ले सकते हो। साथ ही दो हरी मिर्च और अदरक को कूट कर डाल देंगे। वन टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी चने के साग के लिए इनफ है, इससे ज्यादा हम पानी का यूज नहीं करेंगे। अब इसको हम हल्के हाथों से चलाएंगे। अब इसको हम ढक्कन से कवर करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। 3 से 4 सीटी आने के बाद इसका प्रेशर रिलीज कर देंगे और इसको हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको हम इस तरह से मैश नहीं करेंगे क्योंकि ये मैश नहीं हो पाएगा। इसको पहले हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ग्राइंडर जार में डालकर 20 से 30 सेकंड ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना तरतरा पिस गया है। सेम इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। अब हम फिर से इसको कुकर में पलट देंगे। अब चलते हैं हम आलू बनाने के प्रोसेस में। यहाँ हमने 2 से 3 टेबल स्पून गेहूं का आटा ले लिया है। इसको हम पानी डालकर एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो मक्के का आटा या फिर बेसन से भी आटा लगा सकते हैं, या आपकी चॉइस है। आप देख सकते हैं हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम चने के साग के अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो आयरन है वो चने के साग में अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब इसको हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए एक बॉईल आने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करते हैं। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। आप देख सकते हैं हमारा चना का साग कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब चलते हैं इसका तड़का बनाने के प्रोसेस में। यहाँ हमने तड़का पैन में 1/2 कड़छी सरसों का तेल ले लेंगे। आप चाहे तो देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं इसमें, लेकिन चने के साग में सरसों के तेल का तड़का ही अच्छा लगता है। यहाँ हम 1/4 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। हींग साग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, चाहे कोई सा भी साग हो। साथ ही 10 से 12 लहसुन की कलियों को पाई चॉप करके डाल देंगे। 2 से 3 लाल मिर्च को भी डाल देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को पाई चॉप करके डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। हम यहाँ टमाटर को सॉफ्ट करेंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तड़के को साग में डाल देंगे। थोड़ा तड़का हम बचा लेंगे, इसको हम बाद में गार्निश में यूज करेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारा चने का साग बनकर रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ या फिर मक्का की रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम बचे हुए तड़के को डाल देंगे और ये हमारा तैयार है चने का साग। आप देख सकते हैं कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। तो आप भी मेरे इस चने के साग की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चे भी इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से शौक से खाते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।